हेलो क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा कि कंपनीज एक्ट कौन कौन सी कंडीशन बताना चाहता है जब आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जाएंगे। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने जाएंगे तो कंपनीज एक्ट मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको पांच कंडीशंस बता रहे हैं, आप ये पांच कंडीशंस फॉलो करिए जब आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन उन्होंने बता दी थी कि आपके शेयर्स फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने आपको चार ऑप्शंस बताए थे कि आपको ये अरेंजमेंट करके रखने पड़ेंगे। क्या अरेंजमेंट थे वो? या तो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करें, किस अमाउंट से, जो भी फेस वैल्यू आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडीम करना चाहते हैं उतने ही अमाउंट से आप फ्री रिजर्व्स में से पैसे निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालेंगे। नेक्स्ट, अगर आप वो नहीं कर सकते, ये काम कौन कर रहा है? सब कंपनी एक्स लिमिटेड करेगी। अगर एक्स लिमिटेड फ्री रिजर्व्स में से पैसे निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में नहीं डाल सकती तो एक्स लिमिटेड के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो फ्रेश शेयर्स इशू कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है, चाहे तो वो न्यू शेयर्स इशू कर दें थोड़े अमाउंट के लिए, और थोड़े अमाउंट के लिए फ्री रिजर्व्स में से पैसे निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दें। चौथा ऑप्शन है, इफ़ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम ना करके अगर आप उनको कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स में, उस केस में आपको सीआरआर क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नए इक्विटी शेयर्स इशू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन थी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड पेमेंट। दैट मीन्स फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में से आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ रिजर्व्स को फ्री नहीं माना जाता है। वो रिजर्व्स यहाँ पे आपको एक नेगेटिव लिस्ट दे रखी है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ओल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जब आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने जाएंगे तब। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, सी आर आर कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। ये कंडीशन नहीं है, ये आपको एक बताया गया है कि जो पैसे आप तिजोरी में डाल रहे हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नाम की एक तिजोरी में डाल रहे हैं, वो पैसे आप दो यूज के लिए काम में ले सकते हैं। वो यूज क्या क्या है? पहला यूज है, आप उनको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कैपिटल रिडक्शन की स्कीम के दौरान भी उनका यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल रिडक्शन स्कीम अपने आप में एक चैप्टर है, रिकंस्ट्रक्शन। ये तब यूज़ की जाती है जब कंपनी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और ओनर्स को अपनी कैपिटल रिड्यूस करने का टाइम आ गया है, तब इस सीआरआर फंड को यूज़ किया जा सकता है, इस सीआरआर रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पांचवी कंडीशन की। ये पांचवी कंडीशन क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए एक्स लिमिटेड की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, वो कैसे बनी है? 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए के, ठीक है। कितने हैं? 1,000 शेयर्स 100 रुपए, ठीक है। अब ये कंपनी है, कौन है? एक्स लिमिटेड। और ये आपके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ये आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर
होल्डर्स, ठीक है। आप कंपनी चाहती है, क्या करना चाहती है कंपनी? रिडेम्पशन। हमने पहले भी देखा है कि रिडेम्पशन के मामले में कैसा ट्रांजैक्शन फ्लो होता है। कंपनी बोल बोल रही है कि मैं आपको 10 लाख रुपीज कैश में दे देती हूँ और बदले में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10 लाख के शेयर्स वापस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स, ये चीज़ समझ में आई? रिडेम्पशन में यही होता है। क्या होता है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। कंपनी है एक्स लिमिटेड, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि आप आइए, मैं आपको एक, किसी ने कुछ कितने शेयर्स ले रखे हैं हमको अभी नहीं पता है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि आपको मैं पूरे 10 लाख रुपए कैश दे दूंगी जो आपका बनता है, और बदले में आप मुझे मेरे प्रेफरेंस शेयर्स लौटा दीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। लेकिन अब क्या है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं ये बहुत दिमाग वाले हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि एक्स लिमिटेड तो एक बहुत बढ़ती हुई कंपनी है, ठीक है, ये एक उगता हुआ सूरज है। उगता हुआ सूरज का मतलब समझ में आता है सबको? आगे चल के इस कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर सब सोच रहे हैं कि यार हम नहीं ले रहे, 10 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए थे, वापस से ये 10 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या फायदा है इसमें, हम नहीं लेंगे। अब एक्स लिमिटेड सोच में पड़ गई, बोलते अरे यार रिडीम तो करना है हमको, अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो रियल लाइफ में भी क्या होता है, जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लालच देते हैं सामने वाले को कि मे बी सामने वाला अपना फायदा देख के हमारा काम करवा देगा, ठीक है। तो वहां यही लालच जो है एक्स लिमिटेड ने दिया। एक्स लिमिटेड ने क्या कहा कि ठीक है, तुमको स्कीम नंबर 1 समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, तुम मत लो इस स्कीम को, तुम एक काम करो, तुम मेरी नई स्कीम देखो। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं, और ये एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने कहा कि तुमको मेरी स्कीम अच्छी नहीं लग रही थी ना, मैंने तुम्हारे प्रॉफिट के लिए इसमें कुछ बदलाव किया है, अब मे भी तुमको अच्छी लग जाए। तो क्या बदलाव किया? एक्स लिमिटेड ने कहा कि एक काम करो, मैं तुमको 10 लाख रुपए तो दूंगा ही। 10 लाख रुपए कैसे बने थे? 1,000 शेयर्स × 100 ना, वो बोला। लेकिन इसके साथ साथ मैं तुमको एक और चीज दूंगा, ये तो कैश में तुमको दे ही रहा हूं, इसके साथ साथ मैं तुमको हर शेयर पे 10 रुपए और दे रहा हूं, मतलब मैं तुमको 10,000 रुपए और दूंगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 10 लाख + 10,000, टोटल ये कितने देने वाला है? 10 लाख 10,000 रुपए। तो ये लालच दिया इसने 10 रुपए का, और बदले में इनको क्या देना है? इनको तो वही देना है, 10 लाख के शेयर्स। तो अब मन में लालच आ गया इनके शेयर होल्डर्स के, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने बोला, इन्होंने सोचा यार ठीक है, 10 लाख तो दे ही रहा है सामने वाला, ऊपर से हर प्रेफरेंस शेयर में 10 रुपए और दे रहा है, ठीक है तो ले लेते हैं। तो अब इसका रिडेम्पशन सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी स्कीम नंबर 2 है वो काम में आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम शॉर्ट में समझें, तो इसको बोलते हैं, ये जो आपकी ऊपर वाली स्कीम थी, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन
पार मतलब 100 के शेयर को, प्रेफरेंस शेयर के वो 100 रुपए ही वापस करना, ठीक है? अगर आपका शेयर 100 रुपए का था तो कंपनी आपको 100 ही रुपए वापस जब करेगी तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार। लेकिन जब कंपनी आपको एक्स्ट्रा लालच दे, 10 रुपए और दे दे, 110 रुपए दे दे आपको, 100 का प्रेफरेंस शेयर है लेकिन कंपनी आपको कितने दे रही है, 110 रुपए एक्स्ट्रा लालच दे रही है, तब इस केस को बोला जाता है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। कभी कभी आप लोग दुकान पर जाते हैं तो लोग, दुकान वाले बोलते हैं ना, अरे आप तो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, ऐसे ऐसे कह के आपको और चढ़ाते हैं ना कि आप और शॉपिंग कर लें, ठीक है? जब हम क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं तब भी हमको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स दिए जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं तो उसमें भी होता है कि प्रीमियम सर्विसेज की ये चार्जेस हैं, तो प्रीमियम मतलब नॉर्मल से थोड़ा बढ़कर, ठीक है, थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया, थोड़ा लालच, थोड़ा लालच और ज्यादा, ठीक है? 100 रुपए के शेयर को 110 रुपए पे देना, तो बताओ जब एक्स लिमिटेड बढ़ के देगी तब तो शेयर होल्डर ले लेंगे ना। इसलिए हमेशा रिडेम्पशन के दो तरीके होते हैं, रिडेम्पशन एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो बस अब हमारी पांचवी कंडीशन इसी से रिलेटेड है, अब आपको एकदम फटाफट समझ में आएगी। पांचवी कंडीशन में ये क्या बोला जाता है, आप जब प्रीमियम देने जा रहे हो ना, एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, 10,000 का प्रीमियम दे रही है, तो 10,000 रुपये भी तो कहीं से लाने पड़ेंगे ना। अभी हमने देखा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का भी पैसा हम फ्री रिजर्व से लेके आए थे, इसी तरीके से प्रीमियम का पैसा भी लेके कहीं से आना पड़ेगा, तो उसके लिए कंपनी ने दो नियम बनाए, कंपनीज एक्ट ने, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 ने दो रूल बनाए हैं। वो रूल क्या हैं हम देखेंगे। पहला रूल तो ये है कि कुछ कंपनीज जिन पे इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन 133 के अंडर, वो कंपनीज के लिए वो अपना पैसा जो भी वो अगर प्रीमियम देना चाहती हैं उसका पैसा वो कहाँ से लाएंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व से वो उनका पैसा ले सकती हैं। कौन सी कंपनीज, जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं, अदर कंपनीज, वो सारी कंपनीज अपना प्रीमियम का पैसा दो जगह से ले सकती हैं, वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी ले सकती हैं, नहीं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी ले सकती हैं, ठीक है? उनके पास दो ऑप्शन हैं, और इंड एस वाली कंपनीज के पास एक ही ऑप्शन है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है? तो अब हम लिख लेते हैं, फॉर प्रीमियम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन फॉर सेक्शन फॉर कंपनीज अंडर सेक्शन 133, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, जिन पे इंड एस एप्लीकेबल है, दे कैन प्रोवाइड फॉर सिक्योर, दे कैन प्रोवाइड फॉर प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स।
जिन कंपनीज में इंडेस एप्लीकेबल हो रहा है वो कंपनीज कहाँ से प्रोवाइड करेंगी प्रीमियम के अमाउंट के लिए, जो 10,000 रुपये का खर्चा है वो कहाँ से निकालेंगी? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अभी हमने देखा ना एक्स लिमिटेड के लिए कितना खर्चा है, 10,000 रुपये का, तो वो जो खर्चा है वो कहाँ से लिया जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एंड फॉर अदर कंपनीज, फॉर अदर कंपनीज दे कैन प्रोवाइड फॉर प्रीमियम अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इनके पास दो ऑप्शन है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी दे सकते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से भी इस खर्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी कंपनीज एक्ट में जो जो कंडीशंस दी हुई थी सब पूरी हो गई हैं। एक कंडीशन प्रीमियम के लिए है, एक कंडीशन सीआरआर अमाउंट के लिए है कि आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, शेयर्स जो हैं आपके फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप होने चाहिए, और रिडेम्पशन करने से पहले आपको क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं वो सब यहाँ पे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं और कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाएंगी विथ एग्जाम्पल्स। तो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे आपके पास तीन मेथड्स हैं, जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा था। सबसे पहला आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब सीआरआर क्रिएट करके, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, एंड थर्ड वन इज पार्टली आउट ऑफ शेयर्स, सॉरी पार्टली पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली थ्रू इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक है, तीन मेथड समझ में आ गए, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर थ्री। ये हमने कंडीशंस में भी देख लिया था, कंपनीज एक्ट भी हमको यही कहता है कि आप इन्हीं तीन तरीके से कर सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या क्या है? सबसे पहला आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा,
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट्स को निकाल के एज अ कैपिटल ब्लॉक कर देना। सीआरआर में हम वही कर रहे हैं ना, एक तिजोरी में डाल रहे हैं, तो उसी को कहा गया है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। या आप इशू ऑफ न्यू शेयर्स कर सकते हैं, नए शेयर्स इशू कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ही मेथड आधा आधा यूज कर सकते हैं, आधा आधा या जिस भी रेशियो में आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये तीनों ही मेथड्स में दो दो सब पार्ट्स और बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स इशू कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपके पास मतलब कंपनी के पास। जब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तब भी दो, और पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली थ्रू इशू ऑफ न्यू शेयर्स, तब भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। ये दो ऑप्शन क्या हैं? सॉरी, पहला है रिडेम्पशन, पार, या फिर और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। यहां पे भी सिमिलरली एट पार रिडेम्पशन और एट प्रीमियम रिडेम्पशन। ठीक है, क्या मतलब होता है? अभी हमने समझा था रिडेम्पशन एट पार मतलब जब कंपनी 100 के शेयर के लिए 100 रुपए ही दे आपको वापस, तो वो रिडेम्पशन एट पार है। और जब कंपनी 100 के शेयर के लिए आपको 110 रुपए दे, तब उसको कहा जाएगा रिडेम्पशन एट प्रीमियम। किसी भी मेथड में कोई भी ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है कंपनी पार पे रिडीम कर रही हो सकता है कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर रही हो। ठीक है, तो हम इन सब का एक एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेंगे। पहले हम एक को समझेंगे, उसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहला अब हम लेते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। उसमें भी सब सब टाइप क्या है? रिडेम्पशन एट पार। ठीक है, नंबर वन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, सब टाइप है ए एट पार। ठीक है, मतलब 100 का शेयर 100 पे ही रिडीम। ओके, ठीक है। तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं, इसलिए सीआरआर के लिए पैसा चाहिए। वेरी फर्स्ट स्टेप इज अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो सबसे पहले क्या है? स्टेप वन, अरेंजमेंट फॉर सीआरआर। तो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? आप जनरल रिजर्व में से ले सकते हैं सीआरआर के लिए पैसे। अगर जनरल रिजर्व में ही आपको पूरे पैसे मिल जाएं, तो ठीक है, जनरल रिजर्व से ही ले लेंगे। पैसे अगर कम पड़ रहे हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? और पीएनडल अकाउंट से। यहां से पैसे निकाल के हम कहाँ डालेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन
रिजर्व, ठीक है, जस्ट अ सेक। आ गया समझ में? तो सबसे पहला स्टेप है अरेंजमेंट फॉर सीआरआर, ठीक है। कंपनीज एक्ट, इसके अलावा और कोई बात कह रहा है क्या? यहाँ पे हम प्रीमियम पे तो रिडीम कर नहीं रहे, तो उसकी बात तो अभी आएगी ही नहीं। सिर्फ सीआरआर के पैसे अरेंज कर लिए, ठीक है। कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि अब आप जाओ, अब आप रिडीम करो, ठीक है। तो स्टेप टू क्या होगा? ट्रांसफरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है। क्या जब आप लोगों को ध्यान है, जब हम एंट्री करते थे, जब इशू किया था हमने, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, तब हमने क्या एंट्री की थी? शायद कुछ लोग भूल गए होंगे, तो मैं उनको जल्दी से बता दूं क्या एंट्री हुई थी। एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही एंट्री हुई थी ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, तभी तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही थी? लाइबिलिटी साइड में। गॉट इट? तो जब अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसे वापस करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। सो यहाँ पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको क्रेडिटर बनाएंगे अपना? किसको पैसे देने हैं हमको वापस? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम वापस पैसे देंगे। यहां पे क्या अमाउंट आएगा? फेस वैल्यू आएगी। क्या आएगी? फेस वैल्यू। क्यों आएगी फेस वैल्यू? क्योंकि हम एट पार रिडीम कर रहे हैं, 100 का शेयर 100 में। ठीक है। दो स्टेप्स हमको बिल्कुल समझ में आ गए। स्टेप वन है अरेंजमेंट ऑफ सीआरआर, स्टेप थ्री है ट्रांसफरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमने ट्रांसफर कर दी, उनको अपना क्रेडिटर बना लिया। अब फाइनल स्टेप है स्टेप थ्री, मेकिंग पेमेंट। यही तो काम करना है हमको, उनको उनका पैसा वापस करना है। तो पैसा वापस करने की क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने अपना क्रेडिटर बनाया था ना, वापस से इसको डेबिट कर दो, तो इस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो। पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट से, और पैसे इनको दे देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारी बैंक में से पैसा चला गया, तो बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। ये है स्टेप्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। मैं एक बार वापस से रिकैप कर देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे फर्स्ट वाला टाइप देख रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स एट पार। हम करने जा रहे हैं 100 का शेयर 100 में, वापस 100 रुपये ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस देने जा रहे हैं। क्योंकि हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो हमको सीआरआर के लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। वो पैसे हम फ्री रिजर्व्स में से ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट का यूटिलाइजेशन किया है, बिकॉज ये फ्री रिजर्व्स हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है मैडम? इसका मतलब ये होता है कि ये रिजर्व आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। आप मतलब कंपनी, जैसे कि एक्स लिमिटेड, किसी भी काम के लिए यूज कर सकती है, इंक्लूडिंग डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेफरेंस, जब हमने अपने पैसे अरेंज कर लिए सीआरआर के, तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया, और फाइनली उनको पेमेंट कर दी। ये हो गई हमारी एंट्री। अब हम जल्दी से
इसका एक क्विक क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू रिडीम इट्स 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, जनरल रिजर्व का बैलेंस 10 lakhs एंड पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस भी आपको दिया हुआ है 10 lakhs। ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है यहाँ पे इन्होंने, और फिर आपको कहा है डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। डायरेक्टर्स, ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कितने प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम करने जा रहे हैं, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देख लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है आपकी, 10 lakhs, सॉरी नॉट 10 lakhs, 1 lakh। ठीक है, 1 lakh है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपके 1 लाख हैं, ये आपको रिडीम करने हैं। तो अब आप कैसे करेंगे इसको रिडीम, यहाँ पे अब आपको 1 लाख रुपए आपको सीआरआर अकाउंट में डालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, 1 लाख रुपए डालने हैं हमको। तो फर्स्ट एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 lakh। ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, सभी को पता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल से डेबिट कर देंगे क्योंकि अब हम पेमेंट करने वाले हैं 1 lakh rupees, और किसको ट्रांसफर करेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कितने करेंगे 1 lakh। एंड फाइनली हम पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 lakh। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई। जनरल रिजर्व से आपने अमाउंट निकाला कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने ट्रांसफर कर दिया, और फिर वो पैसे आपने बैंक अकाउंट में
से निकाल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सब टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा ये टाइप हो गया रिडेम्पशन ऑफ रेफरेंस या आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से हमने पार पे रिडीम कर लिया। ठीक है, अब हम जल्दी से बिना कोई टाइम किए दूसरा भी सब टाइप देख लेंगे, जो कि है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन का सब टाइप है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ध्यान रखिएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स का ही एक सब टाइप है। यहां पे हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं ना, उसी का एक सब टाइप है रिडेम्पशन एट प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका सब टाइप ए था एट पार, अब हम इसका टाइप सेकंड करने वाले हैं जो कि है एट प्रीमियम। आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही करेंगे लेकिन क्या करेंगे, एट प्रीमियम। ठीक है, देखते हैं। तो जब आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन करने वाले हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, वो है प्रीमियम के लिए। ठीक है, तो स्टेप वन होगा आपका अरेंजमेंट फॉर प्रीमियम। तो प्रीमियम एक खर्चा है। ठीक है, ये खर्चा आपको किसी रिजर्व में से लेना पड़ेगा, कोई भी फ्री रिजर्व में से। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हैं, जनरल रिजर्व से ले सकते हैं और पीएनएल अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते हैं। किस चीज के लिए, फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रीमियम का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चीज किसका अरेंजमेंट होता है, सीआरआर का। तो हमको पता है अरेंजमेंट ऑफ सीआरआर कैसे होगा, सबसे पहले जनरल रिजर्व से पैसे ले सकते हैं आप। जनरल रिजर्व में अगर सफिशियंट ना हो तो आप पी एंड एल अकाउंट से ले सकते हैं, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे उसको, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, स्टेप थ्री ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर्स को ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, एंड फाइनल एंट्री हम सबको पता है वो होगी, क्या होगी, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पैसे वापस करेंगे, दैट इज पेमेंट की एंट्री, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक्सक्यूज मी
प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स बोलेंगे कि अरे आप मैडम, आपने तो हमको बिना प्रीमियम दिए भगा दिया। हमको प्रीमियम तो दो, आपने निकाल तो लिया और हमको प्रीमियम नहीं दिया। तो यहाँ पे एंट्री होगी प्रीमियम के केस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। 1 लाख रुपए दे रहे हो और उसके साथ और भी तो पैसे दोगे ना। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो लालच के पैसे हैं वो तो आपने दिए ही नहीं, वो भी तो दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे कैसे मान जाएं? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी टोटल पैसे ले लेंगे और स्टेप 4 में फिर वो पेमेंट ले लेंगे पूरी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू रिडीम इट्स 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each। ठीक है, कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। बैलेंसेस से पहले 100 each एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना चाहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास ₹10,000 हैं, जनरल रिजर्व में ₹2 लाख हैं। ठीक है, और फिर कंपनी ने क्या कहा है कि पास एंट्रीज, आपको एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले ये देख लो कितना रिडीम करना है हमको। कैपिटल, कैपिटल है हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है हमारी? 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹100, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज हैं। इस पे हमको 10% का क्या देना है? लालच। लालच मींस प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹10,000। दिस इज योर प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम आपका ₹10,000 है। अब यहाँ पे हम एंट्रीज हमने ऑलरेडी पास की हुई हैं, वहां पे हम फिल कर लेते हैं। क्या क्या फिल करना है हमको? ये चीजें आपके पहले क्लियर होनी चाहिए कि कैपिटल आपको कितनी रिडीम करनी है, 1 लाख, और उससे प्रीमियम कितने दे रहे हैं आप? 10,000। तो अब देखिए इस प्रीमियम को हम कहाँ से लेंगे? हमारे पास ऑप्शन थे, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं। अगर सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में देखिए, अगर वहाँ पैसा है तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व में जाइए। लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ₹10,000 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेंगे। एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ₹10,000। हमने कैलकुलेट किया है ₹10,000। जब प्रीमियम हो जाए अरेंजमेंट, फिर हम देखेंगे क्या सीआरआर। जनरल रिजर्व में हमारे पास कितना बैलेंस दिया है? 2 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज अरेंज हो सकता है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टाइप क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट्स में से हम सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं। तो सीआरआर में 1 लाख रुपीज डाल दिया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मांग रहे हैं कि दे दो जल्दी से हमारा पैसा, तो ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से पैसे निकाल के दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? 10,000 से। यहाँ आपने क्रेडिट किया है ना इसको, तो अब ये यहाँ आके डेबिट होके निल हो गया। और किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,000 rupees। नाउ मेक द पेमेंट। पेमेंट की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2 बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के दे दीजिए 1,10,000 रुपए। इज दैट क्लियर? ये हमारी प्रीमियम की एंट्रीज हो गई। सबसे पहले आपने क्या किया? प्रीमियम के लिए अरेंजमेंट किया। सबसे पहले प्रीमियम का अरेंजमेंट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से 10,000 रुपीज निकाल के प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डाले। फिर आपने जनरल रिजर्व्स में से सीआरआर अकाउंट क्रिएट किया, फ्री रिजर्व्स में से पैसे निकाल के आपने तिजोरी में डाले जो कि हैं सीआरआर अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो उनको लालच देना है वो भी दिया। टोटल 1,10,000 रुपये बने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, जो कि हमने उनको पे कर दिया। ठीक है क्लास, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने दो सब टॉपिक्स पढ़ लिए हैं एक मेजर टॉपिक के। क्या क्या पढ़ लिया हमने? मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में से हमने आउट ऑफ प्रॉफिट्स में रिडेम्पशन एट पार भी पढ़ लिया है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम पढ़ लिया है। कल हम कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ न्यू शेयर्स की, जब हम रिडेम्पशन करने जा रहे हैं तब हम नए शेयर्स इशू करके कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे हम नए शेयर्स इशू करने वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।